सत्संग से शुद्धि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। सत्संग से शुद्धि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, ओ राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। भिक्षक हो कर दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। ऐसा भी साधक हुआ कि घर त्याग कर चला गया जंगल में, वन में जा बैठा। एक बार भिक्षा ले आता शहर किसी गांव से जा करके, उसको दो तीन दिन तक सुखा कर रोटियों को उसको भिगो भिगो कर खाता रहा। लेकिन उस तप से, उन साधनाओं से तू राजा बन गया, फिर भिखारी बन गया, फिर 84 लाख योनियों में भटकता रहा। तुझे ये वास्तु तत्व ज्ञान नहीं मिला। कोट जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूमया, ये मिला न निर्गुण रासा। ये वस्तु नहीं मिली जिस कारण से। कोट जन्म इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, और विष्णु नाथ के पुर को जाकर भी तू फिर भी वापस आया। अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान, इनके पुजारी तो ऑटोमेटिक फिर जन्म मृत्यु के अंदर। फिर इनका फिर अब्रह्म सरपुरुष ज्योत निरंजन, ये भी नाशवान। गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये खुद कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो ये ब्रह्म, ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान दे रहा है। अब ये भी नाशवान, और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में लिखा है कि दो पुरुष, सर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सभी नाशवान हैं। जीवात्मा किसी की नहीं मरती। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू, अन्य परमात्मा इति उद्धारत है। ये लोक चरण अविश्य विवर्ति अवैश्वर है कि वो उत्तम पुरुष, तो इन दोनों पुरुषों से, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, वही वास्तव में अविनाशी है, वही सबका धारण पोषण करता है, सबका पालक है, वही सबका जनक है। तो वो परमात्मा तो अविनाशी वास्तव में वो है। सर पुरुष ये ज्योत निरंजन है, इसके 21 ब्रह्मांड हैं, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, इसके 7 संघ ब्रह्मांड हैं इसके अंतर्गत, और परम अक्षर ब्रह्म ये कबीर साहेब है, सतपुरुष है, इस ये सब का ओवरऑल कंट्रोलर है, असंग ब्रह्मांडों का स्वामी है, ये वास्तव में अविनाशी भगवान है। तो क्या बताया है कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी, यानी स्वर्ग का राजा भी बने तुम अपने पुण्य कर्मों से, पुण्य क्षीण होते फिर नरक में भी गए, 84 लाख योनियों में भटकते रहे। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, और विष्णु नाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। तुम विष्णु के लोक को सबसे उत्तम मानते हो, वहां गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आता, वो है पूर्ण मोक्ष। और गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में, उसी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और वहां जाने के लिए तूने मेरे 70 के जो साधनाएं हैं मुझ में छोड़नी पड़ेंगी, मुझ में छोड़ दिया, मुझे दे दे ओम नाम का जाप और यहाँ की यज्ञ और बाकी 2 मंत्र जो रह जाते हैं सतनाम में, जो 2 अक्षर हैं वो एक ही परम अक्षर पुरुष का मंत्र है,
जो सतनाम के ओम के साथ दूसरा आपको दिया जाता है, तो वो क्या करेगा, हमारे को सात संग ब्रह्मंडों से पार जाने का किराया है इसका, इसका टैक्स दे देंगे हम दूसरे मंत्र से। तीसरा मंत्र जो सार नाम है वो हमें सचखंड सतलोक में सथाई स्थान देगा। अब परमात्मा क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मृत्या हो गए जीवित क्यों नाम रह रे, और द्वादश मध मैल मठ बोरे बोर ना दे रह रे। ये रहस्य था पर पुण्यात्मा अभी तक परमात्मा ने छुपा रखा था। अभी तक दसवां द्वार पर घाटा जोड़ रखा था वो सतलोक के गीत गावे, और परमात्मा ने बताया वो तो बर में लोक में वो स्थान जा जाने के बाद वापस नहीं आते। हर एक जम्मू के अंदर है एक कबीर पंथी, उसने किता ग्यारहवां द्वार पढ़ लिया कबीर साहब की वाणी में, वो नु कह ग्यारहवा तो खिड़की है बस, ग्यारहवा अंतिम द्वार है ग्यारहवा, और मेरे पास सबसे विश्व में किसी के पास नहीं वो ग्यारहवा द्वार मेरे पास है। एक ग्यारहवें द्वार तो बात ना बढ़ाई, सारा प्रोसेस होना चाहिए उसके पास। जब बात में अरे तो द्वादश मध मैल मठ बोरे बोर ना दे रह रे, वो तो बार में द्वार में है। जैसे दसवां द्वार तो ये काल के लोक में ही खोल बंद हो लेता है एक ही ब्रह्मांड में, और इसके 21 ब्रह्मांड भी एक ऐसे पैक्ड है चारों तरफ से, उससे जब हम परब्रह्म के लोक में प्रवेश करते हैं वो है ग्यारहवां द्वार। ग्यारहवां द्वार तो परब्रह्म के लोक तक जाने का है, वहीं तक रह जाएगा, आगे नहीं सतलोक नहीं जा सकता। तो फिर बारहवां द्वार है जो सात संग ब्रह्मांडों से आगे हमने सतलोक में प्रवेश करना है, उस बारहवें द्वार को पार करके हम वहां सतलोक जाएंगे। तो यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी बताते हैं द्वादश मध महल मठ बोरे, वो महल वो मठ परमात्मा का जो स्थाई स्थान है वो बारहवें द्वार के पार है। द्वादश मध मैल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे, वहां जाने के बाद फिर नहीं आना पड़ता। फिर क्या बताते हैं, दोज्जिक भीष्ट सभीत देखे राज पाठ के रसिया, अब यहाँ के चक्कर में तेने नरक भी देखा स्वर्ग में भी चला गया और यहाँ भी राजा भी बन गया और फिर गदा भी बन गया, बता क्या करे इस विधाओं का। फिर क्या बताते हैं के सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समन, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। क्या बताते हैं कि जैसे परमात्मा बता रहे हैं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं परमात्मा कबीर परमेश्वर के विषय में और सतलोक के विषय में और यहाँ के इस गंदे लोक के विषय में, क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे और पद मिल पदे समाना, यानी कोई संत सतगुरु मिलेगा तो यहां से आपकी इच्छा हटावेगा इन नकली इन काल की भांग के आधार पर झूठे सुख को तुम सुख मान रहे हो। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो क्या बताया है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, जैसे आपको बता कोई चेयरमैन बन जाता है तो एमएलए बनने की चेष्टा करता है, एमएलए बन जाता है तो इन्होंने सोचा मुख्यमंत्री बनूं, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती इसकी कति, नौके प्रधानमंत्री बनो जब आनंद होए, इतने गदा बन जा मृत्यु हो जा, अब जो काम करना था उसका उसके तो स्टार्ट भी नहीं करा, अरे निरेडले ढोके चला जाता ये प्राणी। परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार, यानी व्यर्थ के डले ढोने हैं जब सत भक्ति नहीं की। तो इस प्रकार कहते हैं सतगुरु मिलेगा तो यहाँ की सब इच्छाओं से आपको हटा देगा कि यहाँ कुछ भी मांगण की आवश्यकता नहीं है, ये तो तुम मांग ही मत यहाँ की वस्तुएं, यहाँ की तो हम वैसे दे देंगे आपको रूंगे में, आवश्यकता होगी अन्य से अधिक देंगे लेकिन इतनी नहीं देंगे आपको, ये माया जो आपके आपको डबो दे आवश्यक अवश्य देंगे, आपका कोई काम नहीं अड़न देंगे, गारंटीड बात है। अब क्या बताते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समान, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। पद मिल पदे समाना, ये है पुण्यात्मा सुख संवेद,
और इसके एक एक अक्षर का एक विशेष गुण रहस्य है इनके अंदर। इसमें लिखा पदमिल पदे समाना, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। एक पद का अर्थ है वे ऑफ वर्शिप, यानी पूजा की पद्धति, और दूसरे पद का अर्थ है जहां जाने के बाद लौटकर नहीं आते, उस पद में आप पहुंच जाओगे। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, पद मिलने से, सही पद्धति भक्ति की मिलने से, और पद समाना उस सतलोक को प्राप्त हो जाओगे जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान, के चल मेरे बच्चे तुझे वहां ले जाऊं जो आदि अमर स्थान है, जहां जाने के बाद कभी लौट कर नहीं आता, वापस आता, जहां जरा मरण नहीं है, वहां किसी चीज का अभाव नहीं है, और बहुत सुंदर सृष्टि है वहां की, सब प्राणी एज इट इज है, लेकिन वहां कुत्ते गधे सूअर वाली सृष्टि नहीं है, वहां मनुष्य वाली सृष्टि, सदाबहार वृक्ष है, ये नकली सतलोक के गुण गाने वाले, क्योंकि प्रकाश ही प्रकाश है, भगवान वहां है ही नहीं, वहां तो जीव जा कैसे मिल जाता, जैसे बूंद समुन्द्र में, फिर वो टिंडे लेंगे हम जाके, जहां कुछ भी कोई नहीं, उस तो यही ठीक है, अपना अंडे जा धक्के खांदे। अपने आत्माओं क्या बताते हैं कि चर मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। कहते जो यहाँ की चार मुक्तियां हैं जिनको तुम यहाँ की अंतिम और सुखदायी मानते हो, ये भी सथाई नहीं है, ये भी स्वर्ग में गए, महास्वर्ग में गए, समाप्त होते पुनः फिर नरक में और गधे कुत्ते बन गए, ये तुम्हारे हाथ नहीं रहती सदा, ये चार मुक्ति ये भी नाशवान है, और सतलोक के अंदर गए हुए प्राणी को ये सदा उपलब्ध रहेंगी, कभी नाश नहीं होता, और वो अविनाशी परमात्मा मिलेगा परम अक्षर ब्रह्म। चार मुक्ति जहां चंपी करती, चार मुक्ति ये तेरी सेवा में रहेंगी, आदर खड़ी रहेंगी, ये सुख तुझे वहां सदा बना रहेगा, इसलिए सुख सागर है वो। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी, वो अविनाशी राम मिलेगा वहां आपको, और सदा सुखी रहोगे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।